ब्रजराज कन्हैया नंद नंदन यशोदा नंदन कालिय दह में कूद गए हैं और डुबकी लगाकर जब हे प्रभु हमारे पति को प्राण बख्श दीजिए नहीं तो हम सभी 1000 बासुकीनाथ की पत्नियां विधवा हो जाएगी। भगवान कहे नारी का मैंने सदा सम्मान किया है, मैंने नारी का सम्मान करने के लिए यमुना जल को विमल बना दूंगा, पवित्र बना दूंगा। जन्म कृतार्थ एक ही सनाने, यमुना जी में अगर एक स्नान कोई कर लेता है तो उसका जीवन कृत कृत हो जाता है। भाई दूज के दिन यमुना में जाके भारत की बहुत सी महिलाएं स्नान करती है, जो स्नान हो गया। भज की गोपियों ने उनकी आरती उतारी, भगवान को दुआ मनाई और यशोदा मैया होश में आ गई। वो एक बड़े सौहार्द से बड़ी आत्मीयता से रहने लगे, दोनों के प्रेम बढ़ गए। भज की गोपियां चाहती थी कि हम कन्हैया से आत्मीय मिलन करें, कन्हैया को हम पति मान लिए हैं, पति का प्रेम मुझे मिले। घर में प्रेम का अभाव होने लगा पतियों को, जरा ध्यान देंगे। भज कन्हैया के पास पहुंच जाता था, दो गोपियां खाना बना रही है, तावे में रोटी तावे में जल जाता था और बंसी के स्वर सुनकर भाग जाती थी। बहुत सी गोपियां चरामन के जगह पर अपने बेलने डाल देती थी, किसने अंगा ने वो तो लगन है, लगन तुम